देवी के आगमन के लिए सबसे ज्यादा महिला वर्ग इंतजार कर रही है। मंगलवार से नवरात्रि उत्सव की शुरुआत होनी है, इसकी तैयारी अपने अंतिम चरण में है। सार्वजनिक मंडल भी नवरात्रि उत्सव उत्साह से मनाने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। गणेश उत्सव की तरह नवरात्रि उत्सव भी कायदे और नियम से बांध दिए गए हैं। इसका असर यातायात पर नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए खुले मैदान में सार्वजनिक मंडल नवरात्रि उत्सव का आयोजन कर रास गरबा आदि कर उत्सव मनाए, ये आह्वान पुलिस द्वारा किया गया। उत्सव के दौरान शांति और एकता बरकरार रखने के लिए पुलिस ने खास उपाय योजना अमल में लाई है। ये जानकारी परिमंडल एक के पुलिस उपायुक्त शाहजुम अपने दी। सर्वसाधारणपणे 317 सार्वजनिक उत्सव मंडळ जी आहेत ते देवीची प्रतिष्ठापना करणार आहेत। आमचं धोरण असं आहे की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये रस्त्यावरती कुठेही पेंडॉल मंडळ उभारणार नाहीत आणि रस्त्यावरती आम्ही परवानगी देणार नाही। सध्या परिस्थितीमध्ये मंडळांना परवानगी देण्याचं हे काम सुरू आहे, परंतु कुठल्याही प्रकारे रस्त्यावरती हा उत्सव साजरा होणार नाही या दृष्टिकोनातून आम्ही प्रयत्नशील आहोत। नवरात्रि में दांडिया रास गरबा का सभी में आकर्षण रहता है, जिसके लिए रात में नागरिक महिला वर्ग और युवा बड़ी संख्या में घर से बाहर आते हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस ने मनुष्य बल बढ़ाया और पुलिस नवरात्रि में गश्त करेगी। साथ ही सार्वजनिक मंडलों के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी करार देते हुए पुलिस ने सहकार्य की भावना व्यक्त की। गत वर्षी 317 सार्वजनिक उत्सव मंडळांनी हा नवरात्रीचा उत्सव साजरा केलेला होता आणि त्यातली 85 मंडळं ही रस्त्यावरती होती, म्हणजे रस्त्यावरती पेंडॉल टाकून त्यांनी हे कार्यक्रम साजरे केलेले होते। यावर्षी एकही नवरात्र उत्सव मंडळ रस्त्यावरती राहू नये यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत आणि ह्या 85 मंडळांना आता पर्यायी जागा म्हणून मैदानांचा शोध घ्यावा लागतो आहे आणि मंडळं त्याच्या कामाला लागली। व्हिडिओ जर्नलिस्ट मूसा के साथ शेखर हमप्रस की रिपोर्ट।